उमेर आपकी चाय। थैंक यू। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरे खाऊंगा जॉब की तलाश में। आपने अम्मी को? नहीं, अम्मी को कुछ मत बताना। इसीलिए मैं रोज इसी टाइम पर निकल जाता हूँ अपनी सेम रूटीन से, ताकि उनको पता ना चले। अम्मी को पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं जॉब स्विच कर लूँ और अम्मी को कुछ पता ना चले। जी, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। अम्मी वैसे ही आपको लेके आजकल बहुत परेशान है, हर वक्त अपसेट रहती है। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? वो मैंने ऑफ लिया था, तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही थी। तबीयत अगर ज्यादा खराब है फरवा तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तुम्हें। नहीं उमेर, ऐसी कोई बात नहीं है। इस कंडीशन में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, और मेरे पास वैसे ही काफी लीव्स पेंडिंग थी तो मैंने सोचा अवेल कर लूं। हाँ ठीक है, ओके चलता हूँ। उमेर। हाँ क्या हुआ? उमेर मैं ये कहना चाह रही थी कि आप घर के खर्च को लेके फिक्रमंद ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा ना हो तो मेरी सैलरी से भी मैनेज हो सकता है। तुम्हारी सैलरी से कैसे मैनेज होगा फरवा? थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। नहीं फरवा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपनी सैलरी अपनी फैमिली पे ही स्पेंड करो। और फरवा मेरी जिम्मेदारियां मैं खुद उठा लूंगा, परेशान मत हो।